कौन है भाई? ये औरत कौन है जो आके अभी जस्ट गई? तो गाइज, आज मैं एक इंटरेस्टिंग गेम ट्राई करने वाला हूँ जो क्लैश ऑफ क्लैंस आने के बाद सुपरसेल ने रिलीज किया था, जिसका नाम है बूम बिच। और इस मतलब गेम की अगर मैं बात करूँ तो इसके बारे में मैं काफ़ी एड्स देखा करता था, क्योंकि तभी एंड्रॉयड फोन्स आए थे मार्केट में और कहीं ना कहीं ये एड बार बार दिखती थी बूम बिच की। मैंने कहीं ना कहीं वीडियो भी देखा था, लेकिन उस वक्त कभी ट्राई करने का मौका नहीं मिला। तो आज मौका मिल रहा है, तो आज हम लोग बूम बिच ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने गेम को इंस्टॉल कर लिया है, तो ओपन करते हैं, देखते हैं बूम बिच कैसा है। मुझे एक्चुअली लगा कि वर्टिकल में खेलना होगा जैसे क्लैश रॉयल खेलते, बट हॉरिजॉन्टली है क्लैश ऑफ क्लैंस जैसे। कमांडर, वी हैव मेड अ सक्सेसफुल लैंडिंग। दिस विल बी अ बेस ऑफ ऑपरेशंस अगेंस्ट ब्लैकगार्ड थ्रेट। We can't let the enemy surprise us. Okay, कुछ चीजें बता रहा है ये। Okay, तो कहीं ना कहीं ये गेम भी Clash of Clans जैसे ही लग रहा है मुझे, कि कुछ ना कुछ बिल्ड करना होगा, डिफेंड करना होगा। Okay, तो कोई अटैक करने के लिए आ रहा है। लेट्स होप आवर स्नाइपर कैन होल्ड ऑफ अटैक। वॉच द फाइट। ये क्या हो रहा है भाई? तो जूम भी नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये कुछ था स्नाइपर बंदड़े, ये स्नाइपर वाला था बंदा। तो ये क्या करना है? लैंडिंग क्राफ्ट भाई, करना क्या है? अच्छा, चूज ट्रूप्स। तो इसमें भी भाई ट्रूप्स है, जैसे ये ट्रूप क्या है अगर मैं देखूं, राइफल मैन, ट्रेनिंग एंड स्पीड अप कॉस्ट रिड्यूस बाय 90%, हेल्थ, यूनिट साइज, ट्रेनिंग कॉस्ट। राइफलमैन के बारे में डिटेल से, जैसे राइफलमैन एट द रेडी बेसिक इन्फेंट्री यूनिट्स, द राइफलमैन आर एबल टू डील आउट विद विथस्टैंड मॉडरेट डैमेज इन लार्ज अमाउंट्स नंबर्स, दे आर ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल। ओके, तो ये ट्रूप्स है कुछ। तो अभी बाय डिफॉल्ट हमें यही सिलेक्ट करना है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो साइंस है मुझे एक्चुअली समझ नहीं है, लेकिन देख के तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ गेम मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस जो स्ट्रेटेजी वगैरह है उसी टाइप का है। अच्छा, तो हमने और एक लैंडिंग क्राफ्ट ले लिया, एक से काम नहीं हो रहा था। अभी इसमें भी हमें ट्रूप्स चेंज करने हैं, तो यही है शायद सेम वापस। ओके, तो यहाँ पे भी जेम्स टाइप कुछ है, ये वुड है, ये जेम सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमारा गोल्ड। ये अगर मैं जाके देखूं तो कमांडर हेडक्वार्टर्स है, रेसिडेंस है, ये मैं सिलेक्ट जब कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम हैं और हमारा एनिमी बेस यहाँ पे है। ये गन बोट है, लेकिन कुछ ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। ओके, अच्छा, तो हमें एनिमी बिल्डिंग के ऊपर टैप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे टैप कर दिया, सिलेक्ट ट्रूप्स और डिप्लॉय करना है। अच्छा, जैसे उन्होंने अटैक किया सेम वैसे ही स्ट्रेटेजी है समझो। तो मोस्टली हमारे ट्रूप्स उस बिल्डिंग को निकाल लेंगे। ओके, निकाल लिया। तो आगे क्या है भाई? थैंक यू फॉर ड्राइविंग अवे द इन्वेडर्स, वी विल रिटर्न द फेवर। ये कौन है भाई? ये औरत कौन है जो आके अभी जस्ट गई? अच्छा, तो हमने एमिनी को हरा दिया है, ग्रेट जॉब। ओके,
शायद बूम बीच और इसमें फर्क इतना है, मुझे लगता है कि ये रडार है, इसका ट्रेनिंग टाइम है 2 मिनट, मतलब मुझे जितना लग रहा है गेम प्ले देख के कि क्लैश ऑफ क्लैंस एक आइलैंड पे है, होता है जैसे, मतलब एक विलेज है और ये कहीं ना कहीं समुंदर किनारे और बीच, तो ऐसे इसमें सब अटैक्स होंगे और आइलैंड्स होंगे जहाँ पे हमें जाना है। वो एक मिस्ट्री क्लैश ऑफ क्लैंस में भी है हमें कि समुंदर के उस पार भाई क्या है, तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा समुंदर है थोड़ा ज़मीन है और दोनों के कहीं ना कहीं बीच में ये अटैक्स होंगे। तो रडार तो हमने बनाने के लिए रख दिया है, अभी के लिए हम लोग सिर्फ रडार ही बना सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज का ऑप्शन आ रहा था तो कोल्ड स्टोरेज बना देते हैं। इसमें पता नहीं बिल्डर का कुछ ऑप्शन होता है या नहीं, लेकिन अभी तो मैं एक काम करता हूँ, ट्रेनिंग कॉस्ट हम लोग बार बार तो खेलने नहीं वाले, तो जेम्स यूज कर लेते हैं। पता नहीं इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, जेम्स बोलते हैं या क्या, अच्छा डायमंड्स होते हैं इसमें। अच्छा इसमें भी क्रिएटर बूस्ट वाला ऑप्शन है, अभी भी लोग खेलते हैं ये गेम, पता नहीं मुझे बट है ऑप्शन। अपग्रेडिंग द रडार अलाउज यू टू एक्सप्लोर मोर ऑफ द आर्चीपेलागो, पता नहीं ये क्या है आर्चीपेलागो, तो उसका मतलब भी पता नहीं बट है, चलो कुछ काम की चीज होगी, इसे रख देते हैं। ओके तो गोल्ड स्टोरेज है, गोल्ड स्टोरेज डाल देते हैं, अपना डायमंड यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अच्छा इसमें भी गोल्ड पास का ऑप्शन है, बूस्टर्स। ओके ओके गोल्ड पास की हमें जरूरत नहीं है। इसमें भी क्लैन वगैरह होता है क्या, स्टार्स हैं यहाँ पे। तो अभी के लिए अभी अभी करना क्या है इस गेम में, मतलब यहाँ पे हम लोग है गो यार, यहीं पे तो थे, अच्छा अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग हमारे बिल्डिंग्स को। ये हमारा रेसिडेंस, ये हमारा हेडक्वार्टर्स, मतलब ये यहाँ का टाउन हॉल है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। इसको अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा है अभी आ रहा है, अच्छा ऑप्शन। ये क्या है, सॉमिल, इससे क्या होता है, सॉमिल प्रोड्यूसेस वुड्स अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर बिल्डिंग सिंपल स्ट्रक्चर्स, तो ये अपग्रेड करना चाहिए पहली बात, बिकॉज ये जरूरी है और यही से हमें वुड वगैरह मिलेगा। और ये क्या झाड़ी हम लोग निकाल सकते हैं क्या, अच्छा लेकिन झाड़ी निकालने के काफी पैसे लग रहे हैं हमें, तो हम लोग नहीं निकालेंगे। पत्थर निकालना फ्री है नहीं, अच्छा पत्थर वगैरह निकालने के लिए हमें हेडक्वार्टर्स लेवल, ये झाड़ पत्ती हम लोग निकाल नहीं सकते, ये मैंग्रोव ट्री निकालने के 600 रुपए, नारियल के झाड़ नहीं निकल सकते, पत्थर निकल सकता है। ओके तो अभी करना क्या है, ओके तो हमने इसे अपडेट कर लिया हमारे गन बोट को। अच्छा अगर हम लोग हमारे लैंडिंग क्राफ्ट को अपग्रेड करते हैं तो इसमें और एक मेंबर को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, और एक ट्रूप को ले सकते हैं। हमने रेसिडेंस को भी अपग्रेड कर लिया, अच्छा तो ये कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ क्लैन जैसा है, टाउन हॉल अपडेट होगा तो बहुत सारी चीजें ट्रूप्स वगैरह आप अपडेट कर सकते हैं हम लोग। तो हेडक्वार्टर्स को हमने अपग्रेड कर लिया है, अच्छा हेडक्वार्टर्स बड़ा हो गया, तो हेडक्वार्टर्स में और चीजें इंक्लूड हो सकती है, जैसे अनलॉक क्या क्या हो सकता है यहाँ पे लिखा है, सिग्नल योर ट्रूप्स टू मूव ऑपोजिशन। ओके तो हमें ट्रेन करने के भी काफी ऑप्शंस मिल गए, जैसे हम लोग रेसिडेंस
और लगा सकते हैं जो गोल्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ये हमने डाल दिया यहाँ पे। और वॉल्स है, कीप योर रिसोर्सेस सेफ, तो हम लोग वो भी डाल सकते हैं, तो हमने वो भी लगा दिया। फूड स्टोरेज की बिल्डिंग वो भी लगा देते हैं हम लोग, हमारे डायमंड्स खत्म कर रहे हैं। और डिफेंसेस में अगर हम लोग जाए तो हम लोग माइंस रख सकते हैं। ओके, माइंस हो गए, स्नाइपर टावर है, वापिस एक स्नाइपर टावर रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं जाके देखूंगा कि हमें ट्रूप्स कुछ मिलते हैं क्या। ये कौन औरत है भाई? थैंक यू फॉर फ्रीइंग अस, हियर सम गोल्ड टू हेल्प यू फाइट द बैड गाइस। ओके थैंक यू मैम साहब। अच्छा सम गोल्ड मतलब सम गोल्ड ही दिए, बस 3 गोल्ड सही है भाई, लड़कियों का ऐसे होते, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ओके, गन बोट को भी हम लोग अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास डायमंड्स खत्म हो गए, हमने एकदम दिल से डायमंड्स डाल दिए थे। इस ट्रूप को मैं काफी देखा करता था और बहुत सॉलिड लगता था मुझे, इसका नाम है बुलेट स्पॉन्ज। अच्छा नाम बहुत फनी सा है, बुलेट स्पॉन्ज, दिखता है इतना बड़ा सा है। हेल्थ है 1000 की, यूनिट साइज 4, ट्रेनिंग कॉस्ट 30। ओके, द हेवी कैन ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ डैमेज एंड स्टिल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, ही इज हैप्पी टू ड्रॉ ऑल द अटेंशन एंड विल टेक अ पंच टू गिव अ पंच। ओके तो ये एक ट्रूप है, तो हम लोग ट्रूप को चेंज कर देते हैं, चेंज ट्रूप, और इस अपने भाई को, इसका नाम हेवी है या क्या है, हाँ राइट, इसका नाम हेवी है, मैं थोड़ा नाम में कंफ्यूज हो गया, तो इसका नाम है हेवी और दूसरे वाले का राइफलमैन है, तो हेवी को हम लोग ट्रेन कर लेते हैं। ओके तो हमने हेवी को ट्रेन कर लिया, हेवी का लोडिंग स्पेस शायद ज्यादा है, तो एक ही है बस दोनों तरफ, तो हम लोग अभी चलते हैं कहीं ना कहीं अटैक करने के लिए, एक बार देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे अटैक कर सकते हैं। ओके हमें 5 डायमंड्स मिल गए, ये सब चीजें। ओके अटैक और स्काउट का ऑप्शन है, ये क्या है, अच्छा अलग अलग कुछ ना कुछ है, तो हम लोग स्काउट भी कर सकते हैं जहां पे हमें अटैक करना है, तो ये मुझे डिसेंट सा कुछ बेस लग रहा है, तो शायद हम लोग इस पे अटैक कर सकते हैं, और मैंने इसे यूज नहीं किया अब तक अपने भाई को। ये कुछ कर रहा है या नहीं इफेक्ट, अच्छा ये फायर कर रहे थे, कौन फायर कर रहे थे मुझे कुछ पता नहीं चला। ये उल्टा मैं राइफल मैन को पहले लेके गया था, उनका डैमेज जल्दी जल्दी हो रहा था, ये तो बहुत स्लो हो रहा है। अच्छा यहाँ पे रिट्रीट का भी ऑप्शन है, हेवी से अच्छे तो राइफल मैन थे भाई, कब का निकाल लिया होता। ओके तो हम लोग हेडक्वार्टर को अगर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अच्छा तो इसमें हम लोग फ्री करते हैं लड़कियों को, और ये कौन है बाकी के लोग, ये कौन है जो भाग रहे हैं, सफेद बाल वाले, सब सफेद बाल वाले लोग हैं यहाँ पे सब। ओके तो कुछ इस तरीके का गेम है ये हमारे हेडक्वार्टर पे आ गए, ये गो यार फटाके कहाँ पे फूट रहे थे। ओके अभी भी हमारे पास, तो एक काम करते हैं इस बार हम लोग राइफल मैन को लेके जाते हैं और एक हेवी को रखते हैं, और यहाँ पे हम लोग कुछ अपग्रेड कर सकते हैं। ओके कर सकते तो कर लेते हैं, इसके बाद शायद ही मैं गेम खेलूंगा,
बिकॉज इतने सारे गेम्स हैं, आज हम लोग ट्राई आउट करने वाले थे, तो जो भी डायमंड्स है उसे हम लोग यूज कर लेते हैं और इसे भी अपडेट कर लेते हैं हमारे लैंडिंग क्राफ्ट को। अच्छा, उसके लिए हमें बिल्डिंग को अपडेट करना पड़ेगा। ओके, तो अपडेट करने के लिए हमारे पास इनफ ट्रूप्स नहीं है, तो हम लोग जो भी है प्लान कर देते हैं। तो हमने माइंस प्लान कर दिए और एक स्नाइपर टावर था जो हमने प्लान नहीं किया था, उसे भी प्लान कर देते हैं, लेकिन हमारे पास उतने डायमंड्स नहीं है, तो हम लोग एक बार ही जाके अपना लास्ट अटैक कर देते हैं। ओके, तो गन बोट भी शायद ट्रेन हो रही है। तो हम लोग जाके एक फाइनल अटैक कर लेते हैं कहीं पे। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए हमें पैसे भरने पड़ेंगे, यहाँ पे भी एक्सप्लोर करने के लिए हमें पैसे भरने पड़ेंगे, दुनिया में हर जगह पैसे भरने पड़ते हैं, तो यहाँ पे भी पैसे भरने पड़ रहे हैं। तो शार्प शूटर एक है, चलो हमें ये 7 डायमंड्स मिल गए, अच्छी बात है। तो हम लोग एक बार जाके हमारे गन बोट को ट्रेन कर लेते हैं पूरी तरीके से। लेवल 3 पे चला गया हमारा गन बोट, और गन बोट में जाके देखे तो एनर्जी है 16 की, तो फायर सपोर्ट हमें ज्यादा मिलेगा। तो अब एक फाइनल अटैक कर लेते हैं यहीं पे जाके। ये क्या है भाई, टूटी फूटी बिल्डिंग, लुक्स लाइक एन अबैंडन्ड हाइडआउट, तो इसे क्या कर सकते हैं हम। ओके, लेवल 4 का हेडक्वार्टर्स मिलेगा, तो यहाँ पे शायद कुछ चीज हो सकती है। यहाँ पे अच्छा सा वाटरफॉल भी है, इसके आगे हम लोग जा नहीं सकते। है इंटरेस्टिंग सा है काफी गेम, आप लोग अगर चाहते हो तो ये गेम ट्राई आउट कर सकते हो फन के लिए। तो चलो चलते हैं कहीं ना कहीं स्काउट करके अटैक करके देखते एक बार। ओके, तो ये एक बेस है, तो यहाँ पे मैंने कुछ शार्प शूटर या एमो सप्लाई को देखते एक बार, एमो सप्लाई में क्या है। आई डोंट नो, ये मेरे पास जो ट्रूप्स लेके मैं जा रहा हूँ इससे काम हो सकेगा कि नहीं यहाँ पे, तो थोड़ा सिंपल सा देखते हैं जहाँ पे हम लोग, मुझे श्योरिटी रहे कि हम लोग जीत ही जाएंगे। शार्प शूटर ट्राई मारते हैं। शार्प शूटर क्या है? ओके, एक शार्प शूटर तो एक सिंपल सा बेस मुझे दिख रहा है, तो इस पे अटैक करते हैं और लेट्स सी अटैक कैसे जाता है। ओके, हमारे पास 3 जो मिसाइल्स कह सकते हैं यहाँ पे राइट में जो है, और चलो शुरुआत करते हैं इसे। इसके साथ हम लोग पहले टैंक करेंगे और फिर पीछे से राइफलमैन को छोड़ेंगे। आई डोंट नो राइफलमैन की स्पीड वगैरह कैसी है इसमें, बट हमने हमारे मिसाइल्स को यूज कर लिया था। 7 मिसाइल्स है क्या हमारे पास? ओके, 7 मिसाइल्स है, तो ये तो हम लोग आराम से जीत जाएंगे, कुछ था ही नहीं इसमें, काफी इजी था। ग्रैब ऑल पावर स्टोन्स, ड्रॉप एवरीथिंग एल्स एंड लेट्स गेट आउट ऑफ इट। Thank you for saving us, those men imprisoned us and took our holy idols. इसी तरीके से हमारी हो गई जीत, और ये कुछ इस तरीके का गेम प्ले है बूम बीच का। अच्छा है टाइम पास के लिए, कोई नया नया खेलेगा, और क्योंकि एक्चुअली ये उस जमाने में आया था उस हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग गेम है, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं काफी इंटरेस्टिंग गेम आते रहते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। With your rank of private 1, you gain 1 intel, 1 trader ticket. अच्छा, तो हम लोग ट्रेड कर सकते किसी चीज को। Alright, तो ये कमांडर हमारा एक्सपीरियंस लेवल भी है यहाँ पे। तो ये था गेम प्ले अपना बूम बीच का, काफी इंटरेस्टिंग गेम है। क्लैश ऑफ क्लैंस के बाद ये गेम आया था, तो मुझे तो अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और ये वीडियो पसंद आया तो इसे हमेशा की तरह लाइक करना, शेयर कर देना पसंद आएगा, क्योंकि कुछ अलग गेम प्ले था ये और मैंने सोचा एक बार ट्राई आउट मारते हैं। वैसे भी हम लोग घर पे बैठे हैं, क्वारंटाइन है, और कुछ ना कुछ तो एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, इसलिए मैं गेम्स खेल रहा हूँ।
तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना और शेयर कर दो वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सपोर्ट करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट गेम प्ले या फिर नेक्स्ट गेम मैंने कौन सा ट्राई करना चाहिए। ये जो सीरीज है या फिर अलग चीज हम लोग चैनल के ऊपर करते हैं कि मैं कोई ना कोई एक नया गेम पहली बार ट्राई आउट करके देखता हूँ, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट गेम कौन सा ट्राई करना चाहिए। मैं उसके ऊपर भी वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। और बस तब तक के लिए अपना फेवरेट गेम जो है उसे खेलते रहो और हमारे इस चैनल की वीडियोस देखते रहो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।